पड़ोसन मेरे पति को हुस्न के जाल में फंसाना चाहती है, घर से निकलना दूभर कर दिया, रेप के आरोप की देती है धमकी। आज पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के पास अपनी फरियाद लेकर आई एक महिला ने अपने ही पड़ोसन पर अपने पति पर हुस्न का जादू दिखाने और जब विरोध किया तो पति पर झूठा रेप का मामला आरोप लगाने की धमकी देती है। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया से की है, जहां पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए पीड़िता महिला ने बताया है कि उसके पड़ोस में एक महिला रहती है और वह महिला झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला है और वह लोगों को ऐसे ही ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठती है। महिला का आरोप है कि इस महिला की नज़र उसके पति पर लंबे समय से है, जिसके चलते ये महिला उसके पति पर हुस्न का जादू चलाना चाहती है। जब उसने बाहर निकल कर विरोध किया तो वह लड़ाई पर उतारू हो गई। महिला का आरोप है कि जब वह बाहर निकलती है तो गालियां देती है महिला, साथ ही धमकी देती है कि उसके पति पर झूठी रेप की FIR दर्ज कराकर झूठे मामले में फंसाऊंगी, साथ ही उसे घर से भगाने की धमकी दे रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने मामले की जाँच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ से आई हो आप? अमोला। क्या समस्या लेके आई हुई है SP ऑफिस पे? सर इसलिए आई हूँ कि उसका पत्नी बहुत गाली गलौज करती है रोजीना। क्या नाम है उनका जो गाली गलौज करती है? वो उर्मिला अस्कार है। वो कहाँ रहती हैं आपके? हमारे बगल में रहती हैं। पड़ोसन है आपकी? हाँ, पड़ोसन है हमारी। क्या कहती हैं वो आपसे? वो कहती हैं कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो कहती है मेरे पति से मिलकर आई है, पैसे लेकर आई है मेरे पति से, मुझे कहीं नहीं जाने देती है सर वो, मैं उस बहुत परेशान हूँ उसके नाते। और क्या इल्जाम लगाती है? कहती है कि फांसी लगा लूँगी, मर जाऊँगी और तेरा नाम लगा दूँगी, पैसे लगे तो लग जाने। सर आपके पति पे भी कोई आरोप लगा रही है? हाँ सर। क्या आरोप लगा? मार के फेंक दूंगी, ट्रक चलाता है सर उसका पति, 376 की देती है। कब से परेशान कर रही है आपको? सर मुझे 3 साल से परेशान कर रही है। थाने में शिकायत नहीं की आपने इसकी? ये सर थाने में शिकायत की लेकिन सामने वाले नहीं सुनते। कौन सा थाना लगता है आपका? अमोला।